गोलगप्पे ले आई हूँ मैं केसु के लिए। यहाँ पे हस्बैंड डाल रहे थे खाट, ये केसु ने खाया था। इसे ना गिल्ले कपड़े से साफ करती हूँ ताकि ये मिठा मुठा ना कुछ खटबड़ खुटमल कुछ ना आए भाई, क्योंकि रात को सर हराम कर देते हैं, ये खाया पिया हराम कर देंगे और ज़्यादा आएंगे। ये हस्बैंड के गोलगप्पे का पानी है तो यहाँ रख देती हूँ। तो बिस्तर बुस्तर बिछाऊंगी, सारा साफ करूंगी फ्रेंड, सारा साफ कर दिया मैंने। चादर बिछा दूंगी इसमें फुड़िया सी, पहले सूखने दूंगी इसे। बस हो गया मेरा काम, एकदम बढ़िया हो रहा है, बढ़िया वाला, बढ़िया बारिश वाला। कैसे कहूँगी चढ़ी हुई है केचू के ऊपर, हवा के आनंद ले रही है बढ़िया वाला। तो बादल देख लो कितने भयंकर हो रखे, बादल देखो कैसे जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं देखो सारे के सारे। तो दूसरी जगह बारिश होगी तो यहाँ देखो क्या क्या उड़ उड़ के आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया अभी क्या उड़ के आया, कभी कुछ उड़ रहा कभी कुछ। मुझे पानी पिला रही है, अब नहीं पिला कुछ। देखो मेरे लिए पानी लाई है, पानी पानी लाया मम्मा के लिए, क्यों लाया? एक पी ले अपना, पी ले बेटा। तो फ्रेंड बारिश आ रही है और मैंने छाता ली है, बारिश है, पानी नहीं आया अभी तक, पानी आएगा सारे दिन बज रहे हैं, बारिश बड़ी तगड़ी वाली, मोटर चला लूँगी साफ से ना, पानी आ जाए बस मेरी छुट्टी हो जाएगी पीने का। बड़ी इतनी बारिश हो रही है तो बड़ी मुश्किल से पानी उठाया है और बहुत बारिश हो रही है, और जब बारिश ना हो ना ठंड से लग रही है जैसे पानी पड़ रहा है। तो मैंने पजामा भी ऊपर करा हुआ था तो गिल्ला भी हो गया होगा थोड़ा थोड़ा, तो पीने पीने के बर्तन में लगा रखा मैंने, कहा भर देती हूँ कितना मुश्किल होता है पीने के, तो भरी दूँ पानी तो खा लिया है। देख लो आधी रात को भर रही है पानी, तो फिर भी उठाया थोड़ा थोड़ा आ रहा है, रुक आ रहा है। पता नहीं पीने के बोले तो टंकी में लगा दूँगी, कूलर काला भर के टंकी में लगा दूँगी। बारिश इतनी भयंकर आ रही है ना कुछ मत, आज शाम से स्टार्ट होगी। हमारा पानी चिंता ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग फ्रेंड। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं लग गई हूँ झाड़ू पोछा मारने, तो सुबह पहले मार देती हूँ झाड़ू, झाड़ू ही लगती है वैसे तो फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा देती हूँ झाड़ू कमरे में, क्योंकि चार कमरे और है तो पूरा बरामदा है, तो बहुत बड़ा घर है भाई, जल्दी जल्दी मारनी पड़ती है भाई, टाइम लग जाता है मुझे ना इसमें, 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं फ्रेंड, क्योंकि कोने कोने से झाड़ू वगैरह निकालनी पड़ती है। यहाँ पे कृष्णा के कपड़े थे रखे हुए तो सूख गए हैं, तो मैं इसे डाल देती हूँ उस डब्बे में, बॉक्स है बना रखा है क्योंकि लड्डू गोपाल के और चामची के कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा मंदिर ना ऊपर है, तो बोलते हैं वैसे ना नीचे बैठ के पूजा करनी चाहिए, मगर हमारा मंदिर शुरू से ही ऊपर है तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जितनी जल्दी उठो उतने ही जल्दी फ़ायदे हो जाते हैं घर काम के। तो यहाँ पे फटाफट रात को पानी भर दिया था मैंने, देखा होगा आप लोगों ने, आगे वीडियो बना रखी थी मैंने। तो ये बाल्टियाँ हैं दो, तो फटाफट उठा के रख दिए। अब है मटका की बारी, तो मटका भी उठा के रखना है फ्रेंड, और ना भारी हो जाते हैं बाल्टी वगैरह क्योंकि फुल भरी हुई रहती है ना रात से, तो यूज़ में नहीं करी थी अभी तक, तो अब यूज़ करेंगे। तो मैंने पोछा मार दिया था तो मैंने इसलिए अंदर रख दी थी बाल्टियाँ बुल्टियाँ, अब मैं मारूंगी बाहर पोछा सारे के सारा। जब तक तो बारिश नहीं थी तो सब बारिश का इंतज़ार करते हैं, बारिश हो जाए बारिश हो जाए, तो रात की बारिश ना सही रहती है, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। अगर दिन में बारिश होना तो गर्मी ऊपर आ जाती है क्योंकि ज़मीन से जो भपकी है ना वो सारी ऊपर उड़ जाती है। और यहाँ पे सारे सारे गिल्ला रखा था मैंने, इनकी बाइक भी धुली थी तो मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, मैंने सारे के सारा पानी डाल के साफ़ कर रही हूँ ताकि रेत वगैरह सारा ही सारा साफ़ हो जाए। और फिर ना पोछा मार दी ना तो बहुत ज़्यादा गिल्ला था, तो पोछा भी 36 बार मुझे बदलना पड़ता है, मैंने कहा अच्छा झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ पानी मार के, सारा ही सारा दूर मट्टी सारी निकल जाएगी और फिर वाइपर मार दूँगी फ्रेंड। तो मेरा यही काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह रहते हैं ये सुबह के, जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ करना और जैसे बाहर नाली साफ़ करनी होती है, तो यही काम रहते हैं सुबह सुबह के ना। तो उसके बाद नहाने धोने के बाद हमारा खाना बनता है, उससे पहले खाना नहीं बनता। तो रात को भी ना खटमल आ रखे थे, तो 3-4 तो खटमल मार ही दिए थे मैंने,
अगर ना मारो ना तो और ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा फैले, ये ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे। तो यहाँ पे केस भी सो रखी थी, मेरे ख्याल जल्दी जल्दी काम निपटा लेती तो वही बेटर रहेगा फ्रेंड, क्योंकि बच्चा सोता ना तब तक ये काम सही रहता है करना। तो यहाँ पे देख लो मैंने सारा के सारा साफ कर दिया था, और बरामदा भी हमारा इतना बड़ा है ना पूछो मत, साइडों से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इंसान तो थक जाएगा मगर काम ख़त्म नहीं होगा कभी भी। घर को साफ करना एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है, उसी को उठानी पड़ती है। वो अगर घर साफ ना हो तो दरिद्रपन हो जाता है, तो इसलिए घर को हमेशा साफ़ सुथरा ही बनाए रखना चाहिए फ्रेंड, कोई भी हो इसमें। तो ये हमारा मेन गेट है, आप देख सकते हो। और आजकल ना पता नहीं क्यों आ रहा है व्यू ना बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसे। तो मैं तो सबको सपोर्ट करती हूँ बट मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो कोई नहीं, चलो अभी उनका टाइम है, कभी हमारा भी दिन आएगा। पता नहीं मेरे ना कभी कभी ना सोचती हूँ यार मैं व्यू क्यों नहीं बढ़ते, लोगों के देखती हूँ ना इतने अच्छे अच्छे व्यू आते हैं, तो समझ में नहीं आता मेरी क्या गलती है जो मुझे व्यू नहीं आते, मेरे क्या है क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता। जब तक कोई आगे से ना बताए ना तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड, है ना। तो मुझे आप लोग बताया करो जो मेरी गलती होती है फ्रेंड, तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगी अपनी। तो यही रहता है फ्रेंड मेरा ना दिन भर दिमाग ख़राब रहता है कि व्यू क्यों नहीं आ रही, व्यू क्यों नहीं आ रही, व्यू क्यों नहीं आ रहे। इतनी मेहनत से इतने अच्छे ढंग से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, एडिटिंग वगैरह सब करती हूँ, तब भी ऐसा होता है ना तो मैं हिम्मत ही हार जाती हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो दिमाग ख़राब हो जाता है फ्रेंड मेरा ना बहुत ही ज़्यादा। भाई देखो इंसान मेहनत करता है तो अगर फल ना मिले तो क्या फ़ायदा है ना, मैं इतने टाइम से वीडियो बना रही हूँ अब मुझे पैसे ही ना कमा पाऊँ तो मेरा क्या फ़ायदा फ्रेंड, है ना। तो यही रहता है भाई, सपोर्ट किया करो आप लोग भी फटाफट से जल्दी जल्दी, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जो लोग न्यू हो वो कमेंट कर दिया करो, मैं भी उनको सपोर्ट करूँगी बैक करके। यहाँ पे वाइपर से मैं साफ़ करने लग रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया था, अगर वाइपर से साफ़ ना करूँ ना तो कोई गिर वगैरह जाएगा, और पानी ना जल्दी सूखता भी नहीं है, फिर कीचड़ कीचड़ रहता है, जैसे चप्पल वगैरह पहन के जाओ ना इधर से उधर तो ज़्यादा ही ज़्यादा गंदा लगता है और ज़्यादा। तो मैंने कहा इसलिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी मगर मेहनत करने से कविता कभी पीछे नहीं हटती, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं कर देंगे इतनी मेहनत भी अगर इतना काम हो गया है तो, मगर घर साफ़ सुथरा लगना चाहिए और तो कुछ नहीं है फ्रेंड, काम तो कितना ही करवा लो। तो तभी मैं अपने शरीर को भी मेंटेन रखती हूँ ये इन्हीं कामों से, तो आप लोग भी काम किया करो और अपने शरीर को मेंटेन रखा करो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, झाड़ू और लोग में आपका स्वागत है। तो मैंने झाड़ू पोछे दोनों मार दिया क्योंकि मम्मी यार की मामी यार के यहाँ, तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे पोछा मार दिया यहाँ पर, और यहाँ पर धोया था क्योंकि मिट्टी वगैरह हो जाती है, ट्रेन की बाइक भी रात को ना साफ कर दी पानी से मैंने नाली से, तो मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो मेरे को इसको साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा साफ़ अच्छा लगता है, थोड़ा साफ़ सुथरा। यहाँ भी देखो सारा सारा धो दिया है, देखो कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और कमरे चार कमरे एक किचन बाथरूम बना, बगल भी बहुत बड़े बड़े हैं ये, तो देख लो फटाफट मैंने सारा काम कर दिया। और ये पेड़ ना ऐसे हो गया, ये पेड़ ना वो हो गया नीचे को सारा भी सारा, क्या करो मैं समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया, ये सही झुक गया ये ना सारा भी सारा, देखती हूँ सुबह में ना ये सारा सर लटक रहा है, देखो मेरा दिमाग काम कर गया, मैंने दूसरे वाले गमले में इसे खड़ा कर दिया, तो और का दिमाग कम नहीं होता भाई, पानी भर रखा है अपने आप निकल जाएगा क्योंकि इनमें छेद करे हुए मैंने सब में ना, इसमें भी छेद करा हुआ है। ये देखो हमारे कौन सी बेल आ रही है, अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से, मेरा बाथरूम साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करते फटाफट से ठीक है। तो खाना को खाना है नहलाना धुलाना, रोटी सब्जी बनानी है और खाना मेरे फटाफट चलो कर देती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, पहले बर्तन धोए फिर बगैर धोए।